चांडिल डैम जलाशय में मंगलवार की घटना, ट्रेनी प्लेन क्रैश, विमान को पानी की गहराई से बाहर निकाला गया। जल्द चांडिल नौका विहार में उस क्रैश प्लेन लाने की तैयारी में जुटे नेवी के टीम, 6 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद इस लापता विमान को निकाला जा रहा है। इसके लिए पिछले 1 सप्ताह से नेवी और NDRF की टीम लगे हुए थे। पहले इस विमान के पायलट और ट्रेनी पायलट का शव निकाला गया। काफ़ी मशक्कत के बाद शव को खोज कर निकाला गया और आज क्रैश विमान को भी निकाला गया है। चांडिल नौका विहार में सुबह ट्रेनी विमान क्रैश को देखने के लिए ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीण, साथ ही जमशेदपुर के लोग भी हजारों की संख्या में पहुंचे। आज 11 बजे से रेस्क्यू उपकरण के साथ नेवी की टीम क्रैश विमान को एक वेलून के माध्यम से नौका विहार से 10 से 12 किलोमीटर दूर जलाशय की गहरी पानी के अंदर से निकाला गया है। अंदर में नेवी की टीम जा चुकी है, मॉर्निंग में उसको लोकेट किया गया है। अब उसके लिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। आशापूर्ण है कि जल्दी कंप्लीट होगा, चूँकि दूरी ज़्यादा है, 7 से 8 किलोमीटर अंदर है। कम्युनिकेशन एक रेगुलर इंटरवल के बीच हो रहा है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट जो है उसके अनुसार तैयारी जो है वो संतोषप्रद रही है। अब नए अपडेट के अनुसार जो संभावित रहते हैं वो जितनी जल्दी हो सके हम लोग उसको कर रहे हैं। ट्रेन जो गिर गया था विगत 8 दिन पहले, तो शायद आज हम लोग को सुनने में आया कि निकालने वाले हैं। इसी कारण से उत्साह से आज हम लोग इतना ग्रामीण अगल बगल के गांव के शहर के जितने भी है सब देखने के लिए आए हुए। क्या आप तक आपको मिला देखने के लिए? जी नहीं, निकाले निकालने वाले हैं शायद, सुनने में आ रहा है। क्या नाम है? पुष्टि नहीं हुआ। निखिल चंद्रमा।